वैसे भाइयों, पोको F4 पर आज अपन BGMI गेम प्ले टेस्ट करेंगे विथ न्यू अपडेट। सो यहां से आगे देखते हैं डिवाइस के ग्राफिक्स स्मूथ प्लस एक्सट्रीम से लेकर। ये डिवाइस HDR में एक्सट्रीम सपोर्ट करता है, यहां से आगे अल्ट्रा HD भी सपोर्ट है डिवाइस पर। तो यहां से आगे डिवाइस के ग्राफिक्स को स्मूथ प्लस एक्सट्रीम करके कलरफुल 2x करके सेव करते हैं और सीधे चलते हैं BGMI की गेम प्ले की ओर। वैसे भाइयों, तुम्हारा भाई करने वाला है 20K YouTube फैमिली कंप्लीट होने पर 3 स्मार्टफोन का गिव अवे, जो कि आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स करना कंपलसरी है और साथ ही साथ Scam47 Gaming के Instagram अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिएगा। सो पोको F4 को लेकर मैं सीधे उतर गया यासनाया और ड्रॉप। वैसे इस डिवाइस में आपको स्नैपड्रैगन 870 का 5G चिपसेट मिलता है, जो कि डिवाइस को अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। मेरे बाजू वाले घर पर एक बंदा आया था, वैसे इस बंदे ने मेरे ऊपर चिमनी चुमनी फेंका, उसके बाद म्यूटेंट मार दिया था। ये रहा बंदा, सीधे फिनिश। सो इस बंदे की पेटी बनाते बराबर मुझे साउंड आया, ये देखिए गजब सांप, ये सांप नॉक और यहाँ पर गजब सीर। फिलहाल मेरे हिसाब किताब से आगे की ओर पर कम से कम 3-4 सांप हैं। फिर से देखिए एक और सांप, ये सांप नॉक, सीधे फिनिश। एक और सांप है, यहीं कहीं पर लेटा हुआ है वो, ये रहा ये सांप, सीधे फिनिश। वैसे मेरे भाइयों, ये वाला पूरा स्क्वाड बड़ी वाली बिल्डिंग के नीचे सांप बनकर लेटा हुआ था। एक और बंदा है पीछे, टीपी भी बाज, ये बंदा सीधे फिनिश। सो मेरे हिसाब किताब से आसनाया पर बंदे खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ से आगे चलते अपन। वैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिवाइस पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ से पीछे आया तुम्हें एक बंदा दिखा, ये खड़ा था, ये नॉक। एक और बंदा उसके आगे, ये तो स्प्रेबाजी कर रहा था, ये भी नॉक। पहला बंदा फिनिश, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे दूसरा बंदा भी फिनिश। फिलहाल मैंने डिवाइस पर ऊपर की ओर ग्रीन कलर से पीस मीटर को चालू करके रखा हूँ, जिससे आपको डिवाइस की परफॉर्मेंस पता चलेगी। सो यहाँ से आगे चलते हैं सीधे जोन के अंदर। वैसे मैं अपार्टमेंट के पास से गुजर रहा था, एक बंदा दिखा मेरे को रिच पर, ये लेटा हुआ है देखिए, स्पेशल सांप, ये सांप नॉक, एक और सांप है, ये दूसरा सांप भी नॉक। सो इन दोनों सांपों को नॉक करने के बाद मुझे साउंड आ रहा था एक बंदा डीपी डूपी चला रहा है, और इस डीपी बाज ने हमारे दूसरे भाई को भी नॉक कर दिया। यहाँ पर स्मोक बाजी करता हूँ मैं, उसके बाद रिवाइव बाजी, एक भाई को सेव करता हूँ सबसे पहले, और सामने वाला डीपी बाज कंटिन्यू स्प्रे मार रहे हमको। एक भाई की पेटी बना दिया उसने। सो मुझे लगता है यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा मेरे हिसाब किताब से आने से रहा। जी हाँ, वो ना जाने कब से स्प्रे मार रहा था। एक मिनट, यहाँ से आगे एक काम करता हूँ, मैं भी इसको स्प्रे मारता हूँ। लेकिन भाई साहब, यहाँ से पीछे की ओर पर एक बोट आया था, ये बोट सीधे फिनिश। ये बंदा ना मेरे हिसाब किताब से यहीं से स्प्रेबाजी कर रहा था। वैसे भैयो, मेरी इच्छा थी बंदे की पेटी बनाने की, लेकिन भाई साहब अपन चलते हैं जोन के अंदर। इस वेयर हाउस पर एक गाड़ी खड़ी है, मेरे हिसाब से एक बंदा हो सकता है यहाँ पर। ये बंदा तो ऑफलाइन था, गीली सूट बाज। सो कोई समस्या है नहीं, यहाँ से आगे बंदे की पेटी लूटता हूँ। उसके जस्ट सेकंड बाद मुझे साउंड आया, पीछे वाले घरों पर किसी बंदे ने फ्लायर चलाया है। जी हाँ, और इस बंदे की फ्लायर बहुत ही जल्दी आने भी लगी। दो बंदे यहाँ पर जो कि भागे, अरे ये बंदे तो बहुत ज्यादा तेज भागे सीधे ड्रॉप लूटने के लिए। ये दोनों बंदे लुटेरे बंदे हैं, और यहाँ पर गजब तीर, ये बंदा तो हमारी हड्डी पसली तोड़ देता। अब इसको स्प्रे मारता हूँ, स्प्रे बाजी पर बंदा नॉक। वैसे पीछे वाले बंदे को छोड़ो, इन लुटेरे बंदों को मींस इन फ्लायर बाजू की पेटी बनाते हैं पहले। सो मेरे क्लोज पर एक बंदा है जिसके फुटस्टेप आ रहे थे, ये अंदर क्या, जी हाँ ये बैठा हुआ था,
बंदा नॉक, बंदा फिनिश, एक और बंदा है बस, और उस बंदे का तो मुझे कुछ भी आता पता है नहीं। मेरे हिसाब से वो बंदा नीचे है, इसके लिए ग्रेनेड फेंकता हूँ। ये बंदा बच गया। और यहाँ पर पीछे की ओर से किसी बंदे ने ब्रस्ट मारा, फिलहाल उस बंदे ने हमारे भाई को पकड़ लिया था। और यहाँ पर मेरे क्लोज में जो बंदा है वो पुश करने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर। जी हाँ, उसके पास MG3 है। ये बंदा देखिए, ये रहा बंदा फिनिश। और पीछे वाला बंदा, जैसा कि मुझे लग रहा है ये बंदा झाड़ के पीछे है, इसी झाड़ के पीछे। जी हाँ, दुबक के बैठा है ये बंदा सीधे फिनिश। हाल फिलहाल मेरे हिसाब किताब से यहाँ के पूरे बंदे नॉक फिनिश हो चुके हैं, तो अपन चलते हैं आगे। जी हाँ, जोन के अंदर। यहाँ पर तुम्हारा भाई सीधे जोन के अंदर आ चुका है। और जोन के अंदर आते बराबर मुझे पीछे की ओर पर एक बंदा नजर आया, जिसने पहले TPP लिया था, उसके बाद ये बंदा सांप बन चुका है। इसको स्प्रे मारता हूँ। ये बंदा डैमेज, एक और गोली बस, एक और पड़ जा। सो फाइनली ये सांप नॉक। यहाँ से आगे और स्प्रे मारता हूँ। वहाँ पर स्मोक हुआ, मींस वहाँ पर एक और बंदा है। सो मेरे भाइयों, यहाँ से आगे चलते हैं मौके का फायदा उठाकर। यहाँ से आगे जाऊँगा, बंदों की पेटियाँ बनाऊँगा। गजब सीन। किसी बंदे ने कार 98 चिपका दिया मुझे, और एक बंदा पीछे भी है, UMP बाज। पूरी जगह पर बंदे थे, मैं फिनिश। देन यहाँ पर बंदों ने मुझे चारों तरफ से घेर कर मेरी पेटी बना दिए। समझ में नहीं, कंट्रोल। वैसे यहाँ पर कोई समस्या है नहीं, क्योंकि हमारे भाई जिंदा हैं और ये रिवेंज लेंगे। ये आ रहा है देखिए, और इसी बंदे ने मुझे नॉक फिनिश किया था। ये बंदा नॉक फिनिश। सो जोन तो बंदों के पास था, तो हमारे भाई रोटेशन लेके पहुंचे। एक बंदा दिखा, ये बंदा नॉक। एक और बंदा है, ये है सामने, ये बंदा सीधे फिनिश। यहाँ से आगे मैच पर मात्र एक बंदा बचा हुआ है, जिसको हमारे भाई ने बहुत देर तक ढूंढे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये बंदा मिलने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ये लास्ट बंदा जोन के अंदर था ही नहीं, जोन के बाहर था। ये लास्ट बंदा जोन से फिनिश। सो पोको F4 की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि डिवाइस पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेम प्ले को रिकॉर्ड किया था। डिवाइस पर रेंडर वगैरह की समस्या थी नहीं, ऊपर से डिवाइस का जायरोस्कोप एकदम बराबर काम कर रहा था बिना किसी परेशानी के। सो आई होप गाइस आपको ये पोको F4 का गेम प्ले बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।